हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणियाँ। कौन सा चैप्टर नाम बच्चों? समांतर श्रेणियाँ, फर्स्ट सम पार्ट वन। फर्स्ट सम पार्ट वन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो बताइए क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी? अगर समांतर श्रेणी बनेगी तो किस टाइप की समांतर श्रेणी बनेगी? तो यस बच्चों, इसने क्या कह रखा है कि पहले जो प्रथम किलोमीटर का किराया है ना बच्चों, भाई कुछ किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर का किराया बच्चों 15 रुपए है और अगले नेक्स्ट किलोमीटर का जो किराया है ना बच्चों 8 रुपए, 8 रुपए और 8 रुपए से इस तरीके से बढ़ रहा है। यस बच्चों, क्या कह रहा है इसने कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बच्चों? 15 है और अगले नेक्स्ट प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपए, 8 रुपए और 8 रुपए से इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें A1 की बात करें ना, इसमें A1 की बात करें तो बच्चों कितना है? 15 है भाई। A1 की बात करें तो 15 है और A2 की बात करें, A2 का मतलब बच्चों दूसरा पद है। A2 की बात करते हैं तो दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब बच्चों यहां तक की वैल्यू, मतलब 15 में 8 जोड़ देंगे तो दूसरा पद बन जाएगा। 15 में आपने कितना जोड़ दिया बच्चों? 8 जोड़ दिया, 15 और 8 होते बच्चों 23। तो इस FP का दूसरा पद कितना बन गया? 13, 23 बन गया। और तीसरे पद की बात करें हम, अगर हम तीसरे पद की बात करते हैं, मतलब A3 की बात करते हैं, तो 23 में, या फिर नू कह लो जी आप, 15 प्लस के 8 होंगे, मतलब है 23 में 8 और जोड़ देंगे ना तो तीसरा पद बन जाएगा, मतलब 31 आ जाएगा। इव हमें कैसे पता चलेगा कि जो टर्म निकाली है हमने, मतलब निकाली है 15, 23 और जो 31, भाई ये जो टर्म निकाली है हमने, क्या ये AP बनेगी? क्या ये एपी बनेगी? इसके लिए आप कैसे करेंगे? इनका अंतर निकाल कर देख लेंगे। मतलब आपने आपने क्या करना है, वे दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है। कितना आया बच्चों अंतर? 8 आया। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करनी है आपने। दूसरी टर्म कितनी थी? 23 थी। वही 31 में से 23 गया, कितना आया बच्चों? 8 आया। मतलब सारा अंतर हर जगह बराबर है, सारा अंतर हर जगह बराबर है। तो क्या लिखना है हमने? हा हा दिए गए पद, हा दिए गए पद एपी में है, एपी में है, हा दिए गए पद एपी में है। क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे? हा दिए गए पद एपी में है। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों वो किस तरीके की है, स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। यस गाइज, हम इसी पार्ट को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित है हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बताइए क्या स्थिति एपी में है या नहीं है? बताइए क्या स्थिति एपी में है या नहीं है? इसको आपने कैसे करना बच्चों? इसमें बच्चों अपना मानना पड़ेगा। माना किस तरीके से करेगा यहाँ पे? माना माना बेलनाकार टंकी में हवा की कुल मात्रा, माना बेलनाकार टंकी में हवा की कुल मात्रा आपने मान ली बच्चों V सेंटीमीटर क्यूब है। माना बेलनाकार टंकी में हवा की कुल मात्रा आपने मान ली बच्चों 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, हवा के निकालने की मात्रा, हवा के निकालने की मात्रा, ये बच्चों आपकी सेकंड लाइन आ जाएगी। हवा के निकालने की मात्रा बराबर है क्या 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 बराबर है बच्चों? शेष हवा का 1/4 भाग, शेष हवा का
शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का 1/4 भाग, ये औसत है बच्चों। भाई हमने टायर में हवा भरी, जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जितनी बची दूसरे टायर में हम हवा भरेंगे तो उसका 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा। ये दर है बच्चों, अब शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने की मात्रा की दर है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? इसमें बच्चों जब A1 की बात करें ना, हम A1 की बात करें ना, तो A1 का मतलब है जो स्टार्टिंग में उसमें हवा थी। स्टार्टिंग में बेलनाकार टैंकी में कितनी हवा थी बच्चों, कितनी माननी है? अपने मान लिया बच्चों, अपना क्या माननी थी? V माननी है। तो A1 की मात्रा कितनी हो जाएगी? V हो जाएगी। अब A2 की बात करेंगे ना, पे A2 का मतलब है शेष हवा का। अब कितनी बची हुई है इसमें? V थी भाई स्टार्टिंग में, V। अच्छा, शेष हवा इतनी थी। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, इसका जितनी बची हुई है। स्टार्टिंग में तो V थी बच्चों, V का 1/4 भाग इतना बन जाएगा। इसको और सोल्व करते ना बच्चों, तो इसका एलसीएम लेना अपने। इसका एलसीएम 4 आया, 4V माइनस का V, तो कितना बचा बच्चों? 3V/4 बचा, 3V/4 बचा। अब ये तो A2 हो गया। अब A3 की बात करेंगे आप। A3 का मतलब है, तरीका तो वही है बच्चों, शेष हवा का। अब कितनी हवा बची हुई है टैंक में? अब बची हुई है 3V/4। अच्छा, माइनस कितनी हो, कितना होएगा? इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, तो 3V/4 और गुणा में 1/4। इस तरीके से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पंप की बात हो रही है, तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो कितना आया बच्चों? 3V/4 माइनस में 3V/4 × 16 बच्चों। इस कैल्शियम की बात करें तो बच्चों 16 है, 4 × 4 = 12, 12V माइनस में के 3V, 12V में से 3V गया बच्चों, कितना आया? 9V, 9V/16। इतनी शेष हवा रह गई तीसरे पद में। ठीक है, अब हमने चेक करना है क्या ये बन रही है, ये जो टर्म निकल के आ रही है बच्चों, पद निकल के आ रही है, क्या ये P में बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, तरीका क्या है बच्चों? इतने टर्म से पता चल जाएगा कि ये जो टर्म निकल के आ रही है क्या ये P है या नहीं है। इसके लिए आपका क्या करेंगे, क्या भाई, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके देख लेंगे और तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके देख लेंगे। अगर ये सारा अंतर बराबर तो आ जाएगा ना, तो आप कह देंगे कि जो ये टर्म निकल के आ रही है, पद निकल के आ रही है, ये पी में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो A2, हमने A2 निकाला क्या बच्चों? A2 का की वैल्यू आई है 3V, 3V/4 माइनस में A1 का मतलब है, A1 का मतलब है बच्चों V। इसका बच्चों आपने एलसीएम निकाला 4, तो मतलब 3V - 4V, 3V - 4V, मतलब ओवरऑल की बात करें ना, तो ये बचा -V/4 बचा। कितना बचा बच्चों? -V/4। A3 की बात करता हूं मैं, तीसरे पद की बात करता हूं, तो तीसरे पद की वैल्यू आई है बच्चों 9V, 9V/16 माइनस। दूसरे पद की बात करो ना बच्चों, तो आया है 3V, 3V/4। इसके लिए उत्तम की बात करूं तो बच्चों 16 आ जाएगी, 9V·9 बच्चों माइनस में 4 × 16, 4 × 4 = 12, 12V, 9V में से 12V में से बच्चों 9V गया, कितना बचा? माइनस का 3V/16, 9V - 3V/16, ये बच्चों आया है -V/4, ये आया बच्चों -3V/16। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है बच्चों, ये दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे दिए गए पद एपी में नहीं है। क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे? दिए गए पद बच्चों एपी में नहीं है। यस, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों वो कर लेते हैं अब। हेलो गाइज, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए है, 50 रुपए से बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक दे रखे है इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये कह रखा है, एक कुआ है बच्चों, एक कुआ खोदा गया है, मजदूरों ने कुआ खोद दिया। ठीक है, मजदूरों ने कुआ खोदा बच्चों, ये मान लो 1 मीटर है, ये मान लो 1 मीटर है, ये मान लो 2 मीटर हो गया, ये मान लो 3 मीटर हो गया, और ये मान लो आप 4 मीटर हो गया। 1 मीटर ये हो गया यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक कि 2 मीटर, यहाँ तक हो गया बच्चों 2 मीटर, और यहाँ से लेकर नीचे तक हो गया 3 मीटर। इस तरीके से बढ़ता चलना लग रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ये हो जाएगा। जो प्रथम पहले मीटर की बात करें ना, तो खर्चा कितना है बच्चों, 150 रुपये। ठीक है भाई, कोई मजदूर अगर कुआ खोद देता है ना, तो शुरू का 1 मीटर का जो चार्ज लेने लग रहा है ना, वो 150 रुपये लेने लग रहे हैं। उसके बाद में हर मीटर के ऊपर 50 रुपये का चार्ज बढ़ रहा है, 50 रुपये का चार्ज हर मीटर पे बढ़ रहा है। तो बताना है, जो ये बनेगी ना, क्या ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। ठीक है, तो करना कैसे बच्चों, इसको इसमें भी स्टेटमेंट लिखनी है आपने, अगर पेपर में आ जाता है तो। बच्चों आपको करना कैसे है, तो आपने करना क्या है भाई, 1 मीटर पर आई लागत, 1 मीटर पर आई लागत, 1 मीटर पर लागत आती है। 1 मीटर पर आई लागत का मतलब है बच्चों, ये आपका A1 निकल के आ रहा है। A1 मतलब है 150 रुपये की लागत आई है। कितने रुपए की लागत आई है बच्चों, 150 रुपये की लागत आई है। अच्छा ठीक है, तो 2 मीटर पर आई लागत, 2 मीटर पर आई लागत, ये आपका कि दूसरी टर्म बन जाएगी बच्चों। ये दूसरी टर्म बनेगी कैसे, अगर आप 150 में 2 मीटर की लागत दिया है बच्चों, मतलब 150 और 50, 150 और 50 को जोड़ देते हो तो बच्चों 200 आ जाती है, 200 रुपये है। ये 2 मीटर पर आई लागत है बच्चों। और 3 मीटर की बात करूँ ना, 3 मीटर पर आई लागत, ये आपकी तीसरी टर्म है, 3 मीटर पर आई लागत ये आपकी तीसरी टर्म है। A3 मतलब है, अगर आप इन 3 मीटर वाली टर्म को जोड़ देते हैं, 3 मीटर तक की टर्म को, मतलब है 150 को जोड़ देते हैं, 50 को जोड़ देते हैं और 50 को जोड़ देते हैं, तो 3 मीटर की लागत आ जाएगी। ये लागत है बच्चों 250 रुपए की। कितनी लागत है बच्चों, 250 रुपए की। अच्छा 4 मीटर की लागत की बात करें ना, तो वो चौथा पद बन जाएगा बच्चों। चौथे पद की वैल्यू मतलब है, अगर आप इन 4 टर्म को जोड़ देते हैं, मतलब है 150 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 50 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 50 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 50 को जोड़ना पड़ेगा, बराबर में 300 रुपये आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बताना है जो ये बन के आई है, क्या ये एपी फॉर्म एपी बना रही है या नहीं बना रही। उसके लिए आपने करना क्या, सारावंतर चेक कर लेना है। सारावंतर मतलब A2 - A1 कितना है, क्या चेक करना है बच्चों आपने, A2 - A1 कितना है। A2 - A1 मतलब है 200 - 150, मतलब कितना आया बच्चों, 50 आया है। और A3 - A2 चेक करना है, A3 मतलब है 250, A3 मतलब 250, 250 - 200 कितना आया बच्चों, ये भी 50 आता है। और चौथे टर्म में, तो तीसरी टर्म माइनस करते हो, मतलब आप 300 में से 250 माइनस करते हो, तो भी कितना आता है बच्चों, 50 रुपये आता है। ठीक है, क्योंकि सारावंतर बराबर आ रहा है, क्योंकि सारावंतर हर जगह बराबर है, तो क्या लिख दोगे, क्योंकि क्योंकि सारव अंतर बराबर है, क्योंकि सारव अंतर बराबर है, इसलिए इसलिए दिए गए पद एपी में है, क्योंकि सारव अंतर बराबर है, इसलिए दिए गए पद एपी में है। ठीक है बच्चों, हेलो गाइस, हम उसी पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 सम 1 पार्ट 4 दे खाली
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बताइए क्या ये जो कंडीशन दे रखी है, क्या ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही? बच्चों इसमें आपने बताना क्या है, क्या ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसको आप कैसे करेंगे? इसमें बच्चों सबसे पहले हम मूलधन की बात करते हैं। वे कितनी राशि निकाली हमने, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा, मूलधन कितने रुपए जमा कराए हमने, वो मूलधन में आएगा। हमने रुपए जमा कराए बच्चों 10,000 रुपए, मूलधन है 10,000 रुपए। और दर की बात करें बच्चों तो वो है 8%। कितनी परसेंट है? 8%। यस। अब हम मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? मिश्रधन। अब मिश्रधन के लिए हमें समय की जरूरत होगी, तो मिश्रधन हम इस तरीके से निकालेंगे, मतलब 1 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम 1 वर्ष, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे ना, तो उसमें समय 1 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो इसमें समय 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं तो उसमें बच्चों समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, एंड सो इसी तरीके से बच्चों कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यस बच्चों क्या लिखोगे आप? हमने लिखना है एक या पहले, पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन मतलब आपका A1 आ जाएगा। ये पहले वर्ष का मिश्रधन फॉर्मूला रहता है बच्चों मिश्रधन का, मूलधन, पहले वर्ष का मिश्रधन का मतलब है मूलधन इनटू में 1 प्लस दर बटा 100 शक्ति समय, ये रहता है बच्चों फॉर्मूला। मूलधन की बात करें तो 10,000 है, मूलधन की बात करें तो बच्चों 10,000 है, 10,000 गुना में 1 प्लस दर बच्चों 8 है, 8 बटा में 100 शक्ति बच्चों 1 रहेगी। काट दिया बच्चों, 4 से काट दिया या 2 से काट दिया, 4 से काट दिया बच्चों, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, 25 बन गया, बराबर है बच्चों, मतलब 10,000 गुणा में 25 से कम 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27 बटा में 25 कितना है बच्चों, 27 बटा में 25। अब अगर हम इसको काटते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 0 9, 4,000 आ जाएगा, 25 चौक 100, 2 0 9, 10,000 का 4,000 आ जाएगा, चौथा हिस्सा। ठीक है, 25 चौक 100, 2 0 9, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों 27 की और 4 की गुणा करेंगे, 27 की और 4 की गुणा कर लेंगे तो एक पहले वर्ष का मिश्रधन आ जाएगा। आपने करनी है बच्चों 27 की और 4 की गुणा, 4 से 28 होते बच्चों, हासिल पाई 2, 4 दुनिया 8 2 10, मतलब पहले वर्ष का जो मिश्रधन आया बच्चों वो आया है 108, मतलब 10,800 रुपये। 2 0 बच्चों यहाँ से आ जाएगी, जो पहले वर्ष का मिश्रधन आया है बच्चों वो आया है 10,800 रुपये। अब आपने निकालना है दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, मतलब आपका की टर्म A2 आ जाएगी। इसमें फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा, मूलधन इनटू में 1 प्लस, फॉर्मूला तो बच्चों लिखा ही हुआ है, ये आपको वैल्यू रखनी है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या के निकलेगा, मतलब 10,000 लिखा जाएगा, 10,000 इनटू में 1 प्लस दर बटा 100 शक्ति बच्चों 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? शक्ति 2 आ जाएगी। इसको अब शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे हम, 10,000 नुक्का नु 10,000 गुणा में ये जो वैल्यू बनेगी बच्चों कितनी बन जाएगी, 27/25 बननी है, उसमें पावर 1 थी, यहाँ पे तो पावर 2 है, तो 27/25 को आप 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे बच्चों? 2 बार। 25 से काटोगे ना बच्चों, 25 चौके 100, 400 आ जाएगी। अब ये काटोगे ना, 25 1 कम 25 बच गए बच्चों, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, 25 छक्का 150, 16 आ जाएगी। अब 27/27 की गुणा करनी है, फिर 16 की गुणा करनी है बच्चों, तो पहले हमने 27/27 की गुणा कर लेती है, 77 बच्चों 49, हासिल पाई 4, 7 दूनी 14, 4 है
18, 2 से गुणा करिए बच्चों, 2 सत्ते 14, आसिफ भाई ये एक, 2 एक, 2 दूनी 4 और एक 5, 9 का 9 बच्चों, 9 का 9, 8 और 4 12, 12 का 2 5, 6 और एक 7, 729। अब इसकी गुणा हमने बच्चों 16 से करते नहीं है, कितने से करते नहीं है बच्चों, 16 से 6 निम्न 54, आसिफ भाई 5, 6 दूनी 12 और 5 17, आसिफ भाई एक, 6 सत्ते 42 और एक 43, 9 का 9 बच्चों, 9 का 9, 2 का 2, 7 का 7 है, 4 का 4 बच्चों, 7, 9 और 7 16, 16 का 6 आसिफ भाई एक, 3 और 2 5 और एक 6, 7 और 4 11, ये आ जाती है बच्चों 11,664 रुपए, कितनी आ जाती है बच्चों 11,000, ये आ जाए 11,664 रुपए। इस बच्चों ये आपने एक टर्म और निकाल लेनी है, उसी के बाद अपना सम हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या निकालना है बच्चों, अपना भी तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन मतलब है A3, तीसरा पद आ जाएगा। इसके लिए बच्चों 10,000, 10,000 गुणा में 27 बटे जो 25 है ना बच्चों, अब आपने लिखना 3 बार, 27/25 गुणा 27/25 गुणा 27/25, 3 बार लिख दोगे क्योंकि पावर 3 है, तीसरे वर्ष की है। तो इसके लिए बच्चों आप जब कटोगे ना इन्हें, तो ये दो इस इन दो से कटोगे ना, तो एक बार तो आ जाएगा बच्चों 400, दूसरी बार में आ जाएगा 16, अब कटेगा नहीं। इब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों की गुणा तो बच्चों आएगी आएगी, कितनी आएगी 11,664 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 11,664। अब इसकी गुणा करनी है बच्चों, आपने 27 से गुणा करनी है, फिर कर देंगे 25 से भाग, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल पाई 2 बच्चों, ये गुणा मैं कर देता हूँ वीडियो इस बच्चों, इसकी गुणा मैंने कर दी बच्चों ताकि वीडियो बड़ी ना बन जाए, इसलिए मैंने गुणा वैसे कर दी बच्चों, गुणा करके लिख दी बच्चों। इसमें इन 4 नंबर की गुणा बच्चों आई है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख 14,000, 3 लाख 14,928। अब इस 3 लाख को बच्चों हमने 25 से भाग करा तो इतने आई है बच्चों 12,567.92 रुपए। जिस बच्चों अब हमें हमें ना इन्हीं 3 पदों से पता चल जाएगा कि ये पिंफ बनाएगी या नहीं बनाएगी। इसके लिए बच्चों अपना करना क्या है, A2 - A1 चेक करना है कितना आया, दूसरा पद, दूसरे पद की बात करें तो बच्चों कितना आया है 11,664 माइनस में 10,800, माइनस में 10,800, 4 का 4 बच्चों 4 का 4, 6 का 6, 16 में से 8 गया बच्चों 8, 16 में से 8 गया बच्चों 8, 10 में से 10 गया बच्चों 10, मतलब 864 रुपया आया, कितना आया बच्चों 864 रुपया आया। अब अपने निकालना है A3 - A2, क्या निकालना है बच्चों A3 - A2, तीसरे पद में से मतलब 12,597 रुपये 12 पैसा में से 11,664 रुपये माइनस करते हैं बच्चों, कितना आया 12 पैसा नुकन आएगा बच्चों, 12 पैसा नुकन आएगा, 7 में से 4 गया बच्चों 3, 9 में से 6 गया बच्चों 3, 15 में से 6 गया बच्चों 9, 933 रुपये 12 पैसा। क्या बच्चों दोनों टर्म बराबर है क्या, ये 864 रुपये है, ये 933 रुपये है, क्या दोनों टर्म बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है दोनों, तो आपने क्या लिखना है, सारव अंतर बराबर नहीं है, सारव अंतर बराबर नहीं है, सारव अंतर बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है, क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है इसलिए दिए गए पद बच्चों एपी में नहीं है। आपका जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी, एक्सरसाइज 5.1 का जो सम फर्स्ट था उसका पार्ट 1 2 3 एंड जो 4 है बच्चों,
यहाँ तक हमने टॉपिक कर लिया है। इसी टॉपिक को बच्चों अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब एक सम और कर लेंगे, सेकंड नंबर सम और करेंगे अब। गाइस उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, एपी के प्रथम चार पद लिखिए, किस एपी के प्रथम चार पद लिखिए, यदि एक की वैल्यू 10 है और सारावंदर डे की वैल्यू 10 है तो एपी के चार पद लिखिए। तो यस बच्चों, करना कैसे है अपने, जो बच्चों आपकी एपी होती है ना वो इस टाइप इस ढंग से बनाई जाती है भाई, ए मतलब पहला पद है कोमा, अगर उसमें हम सारावंतर जोड़ दे जाते हैं ना तो वो एपी फॉर्म कर जाती है, मतलब एपी बन जाती है। इस तरीके से एपी बनती है बच्चों, ए कोमा ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2D कोमा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। इसने पूछा है कि एपी के पहले चार पद लिखिए, तो इस तरीके से पहले चार पद लिख देंगे बच्चों। एपी मतलब है ए ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। यस बच्चों, इसमें वैल्यू कैसे लिखोगे आप, ए की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 10 है इसमें कोमा, ए की वैल्यू की बच्चों 10 है, डी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू फिर 10 है बच्चों, गुणा में 10 दूनी बच्चों 20 है कोमा 10 है प्लस 10 दिया बच्चों 30 एंड फुल स्टॉप। और सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, तो ए की वैल्यू 10 है, 10 और 10 कितने बच्चों 20, 20 और 10 कितने बच्चों 30, 30 और 10 कितने बच्चों 40। अतः एपी के पहले चार पद है 10 है 20 है 30 और 40 है। इसी तरीके से बच्चों आपका जो सेकंड सम पार्ट है ना, सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, वैल्यू बदल देंगे हम। अब वैल्यू बदल के कैसे सोल्व करनी है अपने, आपकी जो वैल्यू है बच्चों ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -2 है बच्चों और डी की वैल्यू बच्चों 0 है, इसको कैसे अरेंज करना है अपने। ए की वैल्यू बच्चों -2, आपने वैल्यू रख देनी है -2 कोमा -2 प्लस 0 कोमा -2 प्लस 2 इंटू जा 2 0 जा कोमा -2 प्लस 3 इंटू में 0 एंड फुल स्टॉप। -2 कोमा -2 में 0 जोड़ दिया बच्चों 2 ही रहेगा कोमा -2 2 0 0 बच्चों 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है एंड 3 0 0 0 और -2 बच्चों कितना होता है -2 ही होता है। तो जो एपी के पद टर्म बनी है बच्चों -2 -2 -2 एंड -2 बनी है। इसी पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में जो आपकी ए की वैल्यू है बच्चों कुछ इस तरीके से है, ए की वैल्यू 4 है बच्चों, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। एपी के चार पद ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D, ए की वैल्यू की बात करें बच्चों 4 है कोमा 4 प्लस माइनस डी मतलब है -3, ए की वैल्यू बच्चों 4 है 4 कोमा ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है प्लस माइनस माइनस 3 2 जा बच्चों 6 है कोमा ए की वैल्यू 4 है प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 बच्चों एंड फुल स्टॉप। यस बच्चों, 4 नुक्का 9 कोमा 4 में से 3 गया बच्चों 1 है कोमा 6 में से 4 गया बच्चों -2 कोमा 9 में से 4 गया बच्चों 5। अतः एपी के चार पद बराबर 4 1 -2 एंड -5। यस बच्चों, अगर इसी पार्ट को कंटिन्यू रखे तो अगले में ए की वैल्यू आपकी ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2, ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। यस बच्चों, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है -1 कोमा ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2 कोमा ए की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू बच्चों 1/2 कोमा ए की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू बच्चों 1/2। यस -1 नुक्कड़ रहेगा -1 कोमा
अच्छा -1 में बच्चों 1/2 गया, मतलब -1/2 बचा बच्चों, ठीक है। ये बच्चों कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 जा 1, मतलब 1 बनेगा यार यहाँ पे, 1 में से 1 गया बच्चों, 0 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चों? 0 बन जाएगी। ये बच्चों 3/2 मतलब डेड वैल्यू है, डेड में से 1 गया बच्चों, में हाफ बचेगा, मतलब है 1/2 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 1/2। अतः है एपी के चार पद -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, आपका जो लास्ट पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट में ए की वैल्यू माइनस के 1/2, ए की वैल्यू है बच्चों माइनस के 1/2, और डी की वैल्यू है बच्चों 0.25, डी की वैल्यू बच्चों 0.25 माइनस में, माइनस के 0.25। इसको कैसे अरेंज करना बच्चों अपने? यस, ए की वैल्यू की बात करें बच्चों, -1.25 कोमा ए की वैल्यू -1.25 प्लस माइनस माइनस रहेगा बच्चों, इसे लिख दो प्लस है इनटू में माइनस के 0.25 ब्रैकेट बंद कोमा ए की वैल्यू बच्चों माइनस के 1.25 प्लस 2 इनटू माइनस के 0.25 कोमा माइनस के 1.25 प्लस है 3 इंटू में माइनस के 0.25 एंड फुल स्टॉप। यस बच्चों, आगे अरेंज करते हैं हम, तो -1.25 कोमा माइनस 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 रहेगा, -1.25 माइनस के 0.25 कोमा माइनस के 1.25, 25 टू जा बच्चों 50 होते हैं, मतलब माइनस के 0.50 कोमा माइनस के 1.25 माइनस में 25 3 जा 75 होते हैं बच्चों, मतलब 0.75, 0.75। और सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, तो -1.25 कोमा ये बच्चों दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगी, मतलब है -1.50। कितना हो जाएगा बच्चों? -1.50। अब ये जोड़ते हैं बच्चों तो ये बन जाएगी -1.75। कितनी बन जाएगी बच्चों? माइनस के 7 1.75। इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये बन जाएगा माइनस के 2.25। कितना बन जाएगा बच्चों? माइनस के 2.25, माइनस के 2.25। तो दिस इज आवर आंसर, -1.25, -1.50, -1.75, -2.25, दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों, आज हमने करा है आपके लिए, आज हमने करा है एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 सम 1 पार्ट 1 2 3 एंड 4, सम 1 पार्ट 1 2 3 एंड 4 एंड सेकंड सम पार्ट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.1 के जो सेकंड सम तक है ना, वो वाला टॉपिक कर लिया है। ठीक है, इसी टॉपिक को बच्चों हम आगे कल बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, पेपरों की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे होंगे आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू।